यस सर, विच नहीं, वॉज एक मिनट कम्युनिकेटेड टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल दी स्टेट, यस है ना, यस सर, इन स्पाइट ऑफ दिस अपॉइंटमेंट वी आर गिवन टू द बीएड कैंडिडेट, वी आर नॉट टू इंटरफियर विद द इंपीच पास बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। आप 4/9/2023 को आपने अपॉइंटमेंट दे दिया, आपने अपॉइंटमेंट कब दिया, जजमेंट के पहले दिया कि बाद में दिया है? सम हैव बीन अपॉइंटेड, सम आर बिटवीन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लॉजिक, नो, दोस्त व्हेन व्हेन हु वेर अपॉइंटेड प्रायर टू 4/9/2023 और हु हैव बीन अपॉइंटेड प्रायर टू, वेयर दी, व्हाट इज द लिस्ट, आपके पास है लिस्ट? नो सर, इनसे मांगने का प्रयास किया सर गवर्नमेंट से, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया सर। क्यों नहीं दे रहे भाई, फाइल कीजिए, ये तो करना पड़ेगा। पूरे मिस्टर पूरे 2000 लोग नहीं निकलेंगे, 4/9/2023 के पहले जितने लोग होंगे उनके अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सेव कर दिया है। 8/8/24 को सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि 11/8/2023 से पहले जितने भी अपॉइंटमेंट, 11 वो 11/8/2000 कहा है वाला जजमेंट, कहा है वाला जजमेंट कौन सा है सर, ये सुप्रीम कोर्ट का वो बताइए, वो कहाँ फाइल किया यस आपने, फाइल किया आपने, फाइल सर, इसमें ऑर्डर नहीं किया आपने, सर, इसमें है हमारे ऑर्डर में लगा हुआ है सर, बताइए तो दिखाइए कौन सा। इसमें सर पेज नंबर 8 पे पांचवे लाइन पे सर, यस वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वेयर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट ऑफ आवर जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 11/8/23, नियर सिलेक्शन ऑफ सच बीच कैंडिडेट्स पैराग्राफ, आर बीच पैराग्राफ, सर पेज नंबर 8 पे सर, एट पांचवे लाइन पे एट यस हाँ सर, हाँ मेक इट वी मेक इट यस क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वेयर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट ऑफ आवर जजमेंट वाज डिलीवर्ड 11/8/23, मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स और देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल देम फॉर अ बेनिफिट अंडर आवर प्रेजेंट ऑर्डर। एक मिनट एक मिनट, विच पैराग्राफ यू हैव रीड, सर पेज नंबर 8 हाँ यस सर, पांचवे छठवे लाइन पे, यस वी मेक इट हाँ क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वेयर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट आवर जजमेंट वॉज डिलीवर्ड 11/8/23, मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स और देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल देम फॉर अ बेनिफिट अंडर अवर प्रेजेंट ऑर्डर। सर नेक्स्ट पर पढ़ो, यस सर, आगे पढ़िए। हाँ सर मोर एवर द कैंडिडेट्स हैविंग बी एड क्वालिफिकेशन हुज अपॉइंटमेंट्स वी आर प्रोटेक्टिंग इन दिस जजमेंट विल हैव टू अंडरगो अ ब्रीच कोर्स एंड वी डायरेक्ट द एजुकेशनल अथॉरिटीज टू एडवाइज द सच कोर्स विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर इच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम टूडे। सर ये 11/8/23 से पहले जो अपॉइंटमेंट्स थे उनके लिए था सर, और हमारे यहाँ जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सर सितंबर 2023 में आफ्टर 11 सर, ओह इसको हेलो चलिए सभी को कभी देखना हिम्मत नहीं उसकी। सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपॉइंटेड प्रायर टू 11/8/2023? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई नहीं व्हेन दी सिलेक्शन प्रोसेस वाज इनिशिएटेड? सर, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट्स जो है सितंबर 2023, विज्ञापन कब का था विज्ञापन मई 2023 का, और पहली लिस्ट कब निकली है? पहली यस सर, लिस्ट पहली लिस्ट सर सितंबर पे, सारे अपॉइंटमेंट बात सारे करो, अपॉइंटमेंट्स यस सर, देन दे हैव टू गो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया सर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे पेज नंबर 8 पे पैरा 5 पे सर, एडमिटेडली इन द प्रेजेंट केस द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ बी एड कैंडिडेट्स वेयर इशूड इन सेप्टेम्बर 2023 बाई द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज आफ्टर द डेट ऑफ अवर जजमेंट इन देवेश शर्मा विच वॉज डिलीवर्ड ऑन 11/8/23, वी हैव ऑलरेडी हेल्ड इन अवर ऑर्डर हाउ डेटेड मेनी कैंडिडेट्स आर टू बी आउट नाउ? सर 2897 2800 97
यस देन परसुएंट टू डेट ऑर्डर सम मोर सेंसिटिव आपका रिव्यू व्यू कुछ नहीं चलेगा। या तो ऐसा करो, स्टेट के पास एक तरीका है। आप क्या पढ़े लिखे हो? सर, डिप्लोमा होल्डर्स हूँ सर। डिप्लोमा है। यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या गवर्नमेंट एक बायोमेडिकल नहीं, इनको आप स्कूल एजुकेशन में भेज दो, इनको भी नौकरी से ना निकालो, काम तो कर ही रहे। ये तो बीएड के बदले उसमें अपडेट कर सकते हैं, और इनके लिए डीएड के लिए तो ऑलरेडी पोस्ट निकाले हो आपने, अभी फिर खाली है, तो क्यों नहीं बायोमीडिया निकाल लेते आप? किसी की नौकरी नहीं जाएगी, आपको इनकी नौकरी निकालने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नो सर, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो राइट ना यस सर टू सी दैट दी 3,000 पर्सन, अगर आपको और निकलवाएंगे तब क्या लगेगा कल के रोज? मान लीजिए तो कहीं ये जजमेंट हो जाए कि बीएड भी जरूरी नहीं है, डीएड भी जरूरी नहीं है, केवल सिंपल ग्रेजुएशन होगा, तब आप क्या कर लोगे? यस किसी को नौकरी से ही निकालने से कोई सोल्यूशन नहीं है। कल के रोज आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो, समय किसने देखा है? सर, बट इनका जो अपॉइंट, वो ठीक है, हम समझ गए कानून। सर डिपार्टमेंट को इस बीच कई बार हम लोग ने नोटिस कराया, बट भी हाँ इन्होंने जानबूझकर ये कहते थे कि आप कंटेम्प पे जाना चाहते हैं, आप जाइए, कंटेम्प से कुछ भी नहीं होता, ऐसे 10-10 कंटेम्प हम रोज देखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, आप बात मत ज्यादा मत बोलिए, जी सब हो जाएगा अभी, आप चिंता मत करें। व्हाई डोंट यू अडॉप्ट दी बाय मीडिया, आस्क यू मैडम मिश्रा टू कॉन्टेक्ट अस ऑन टेलीफोन, ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोलाइए, आपके यू आर रिप्रेजेंटिंग अच्छा, शुक्रिया। रिप्रेजेंटिंग बोथ द रिस्पोंडेंट बोथ दी रिस्पॉन्डेंट, हु आर दी? सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ सेक्रेटरी। यस कॉल मैडम मिश्रा कनेक्टेड टू बी कनेक्टेड एंड ब्रीफ हिम, ये सारी स्थिति है, इसमें बाय मीडिया क्यों नहीं निकाल सकते, अगर इनको, अगर जो वैकेंसीज में इनको एकोमोडेट कर दीजिए, उतनी वैकेंसीज को आपके यहाँ तो पूरी स्कूलों में पोस्ट खाली है। भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल टीचर्स को, वहां बीएड के ऊपर वालों के लिए, मतलब 5वीं के ऊपर वालों के लिए तो मना नहीं किया है ना, 5वीं तक के लिए बीएड डीएड जरूरी है, यस सर। बीएड नहीं हो सकता, तो क्या इनको हम मिडिल स्कूल में भेज दो? आपके पास ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट अवेलेबल है। मैं सबमिट परसुएंट टू द ऑर्डर लॉर्डशिप सम द इंटरमीडिएट कोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू द बीएड कैंडिडेट। अरे